और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का टाइप टू, और टाइप टू में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को शेषफल पर आधारित कहा जाता है। जैसे देखिए कहा है कि पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 शेष आए। तो ऐसे सवाल को हम शेषफल पर आधारित सवाल कहते हैं। और वैसे तो इस तरह के दो टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, एक समान शेष पर आधारित और एक असमान शेष पर आधारित। तो आज की क्लास केवल होगी समान शेष पर आधारित, और इसके बाद जो नेक्स्ट होगी वह असमान शेष पर आधारित। तो आइए इस तरह के सवाल का कंसेप्ट क्या होगा हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और कि फ्री पीडीएफ आपको द गाइड एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से भी मैथ का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम पढ़ते हैं आगे और समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का पहले बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। देखिए सवाल को सॉल्व कर लेना वो महानता नहीं है, महानता यह है कि पूरी उसकी बेसिक कंसेप्ट को समझे। और होता क्या है कि जैसे कोई ऑप्शन खाली करता, ऑप्शन से बना लीजिए, कुछ ऐसे बना लीजिए, लेकिन बात कब फंस जाती है कि आप देखे होंगे कि एग्जाम में कुछ ऐसे चेंज करके भी सवाल आ जाते हैं, उस समय आपका जो है ऑप्शन काम नहीं करता। अच्छी बात है कि आप ऑप्शन से भी बनाते हैं, लेकिन मैं फुल कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं, आप पूरी बेसिक से समझते रहिए। चलिए जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई संख्या है, कोई संख्या x है, और जब हम इसे 4 और 5 से भागा कर रहे होंगे तो जो रिमाइंडर आया वह 3 आया, तो वह संख्या क्या होगी। तो कहने का यह मतलब है कि पहले हम ये ढूंढने चले हैं कि वह संख्या कौन है जो 4, 5 से कट रही होगी। तो 4 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या इसका एलसीएम होगा, और एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। मतलब कि वह संख्या जो हमारी होगी x का वैल्यू होगा वो 20 होगा, ठीक है। लेकिन अगर शेष क्या बचे, क्या बचे, 3 बचे, तो उसमें हमें 3 ऐड करना होगा। इसका मतलब हुआ कि यह संख्या तब 23 होगा, क्योंकि 20 एक डिविजिबल नंबर होगा किन का, तो 4 और 5 का। लेकिन अगर हमें 3 शेष बचाना है तो हम क्या करेंगे कि उस डिविजिबल नंबर में 3 ऐड कर देंगे। बात आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपसे आया, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए तो इसका रूल क्या होना चाहिए, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल का है कि यदि न्यूनतम संख्या यक्स वाई जेड से भाग करने पर क्रमशः भाग करने पर शेषफल आर बचे, शेषफल आर बचे, तो यहाँ पे संख्या क्या होगी, यहाँ पे आपकी संख्या जो है वह क्या होगी, तो आपकी संख्या होगी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, और जेड निकालने के बाद आप इसमें रिमाइंडर को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। यही आपका एक कंसेप्ट होगा। बात समझ रहे हैं, मैंने क्या कहा कि अगर वैसी न्यूनतम संख्या पूछे जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर शेषफल आर बचे, तो आपकी संख्या क्या होगी, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड का आपको एलसीएम निकालना है और उसके बाद उसमें रिमाइंडर ऐड कर देना है। चलिए एक कंसेप्ट मैं और बताता हूं। अब यही बात ये सवाल कह दे कि 100 से छोटी, क्या बताना है आपको, 100 से छोटी बताइए कि वह संख्या कौन सा है। तो अब हम करते क्या है यहां पे कि भैया ये जो संख्या आया, जो पहली जो संख्या हमको मिली थी वो 23 मिली थी, तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि तब 20 का मल्टीपल कर लीजिए, उसमें 3 ऐड कर लीजिए, यानी 40 और प्लस 3 क्या होगा, 43 भी हो सकता है।
तो यानी कि हमें 20 का मल्टीपल करके जाना पड़ेगा कहाँ, 100 से छोटा। तो 20 का मल्टीपल कर ले, ये तो काम मौखिक है, इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिससे आप बेहतर तरीके से मौखिक समझ पाए। तो अगर हम 20 का मल्टीपल करेंगे तो 20 पाँचे 100 होता है, 100 में 3 जुड़ना भी पड़ेगा, तो 100 से वो बड़ा हो जाएगा, हमें 100 से तुरंत छोटा चाहिए। तो क्या करेंगे, तो हम लोग संख्या जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगी, यानी 20 का मल्टीपल 4 टाइम्स करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 83 हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। तो एक बात और मैं आपको कह दूं कि अगर गुणज में हो, यानी 5 अंकों की 6 अंकों की छोटी बड़ी संख्या पूछे, तो आप जो है दूसरी संख्या क्या निकाल पाएंगे, आप ये भी लिख लीजिएगा, यानी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड इंटू एन प्लस आर। यहां पे एन क्या है, जहां एन क्या है तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कोई नंबर होगा जिसको हम कहेंगे एलसीएम का मल्टीपल। अब यहां तक मैं मानता हूं कि बात समझ गए होंगे, बेसिक कंसेप्ट अच्छे से आप क्लियर कर लिए होंगे। तो अब आपको मैं सवाल पे ले चलता हूं और देखिए कुछ इस प्रकार के सवाल हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, तो n के अंकों का योग क्या होगा और आपकी जो संख्या है यही है। तो हम करेंगे क्या, पहला जो कर्तव्य आपका वो होगा कि पहले तो आप इन 4, 6, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। और देखिए एलसीएम निकालने का मैंने बहुत ही बेहतरीन मेथड बताया है, एलसीएम का बेसिक पढ़ाया हूं जो पहला होगा, और उसमें आप जा करके इसे अच्छे से समझ भी सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ये भी यहां पर भी बता देता हूं कि जैसे हम देखेंगे कि 2 के सबसे, यानी कि 2 का जो गुणज होगा, यानी 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16, 32, इनमें से सबसे बड़ा किससे कोई संख्या कट रही है, तो यहाँ पे ये 4 से कट रहा है। 3 में उसी प्रकार ढूंढते हैं कि 3, 9, 27 में सबसे बड़ा किससे कट जाए, तो ये 3 से कट रहा है। 3 के बाद होता है 5, यानी प्रत्येक प्राइम को हम चलते हैं प्रत्येक प्राइम से। तो ये बात देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम शॉर्टकट में ही लेके चल रहे हैं कि आप एलसीएम जैसे भी आप यहाँ पे निकाल रहे होंगे, अगर आपको इसी तरह निकालने आता है तो आप इसी तरह से निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप 2 से कर लीजिएगा, 2, 3, 5, 15, फिर 2 से करिएगा 1, 3, 5, 15, फिर 3 से करिएगा 1, 3, 5 और 5, यहाँ 1 होगा, इसके बाद 5 से करिएगा 1, 1, 1, 1, सभी नीचे 1 आ गया। तो देखिए 2 गो 2 आया, 1 गो 3 आया, 1 गो 5 आया, 2 गो 2, 1 गो 3, 1 गो 5, यहाँ भी वही बात आ रही है। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे एलसीएम निकालते हैं अभी वैसे निकाल लीजिए। अगर थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं फास्ट तरीके से, तो मैंने कहा कि हमारा पहला वीडियो जो होगा एलसीएम का बेसिक, उसमें लिखा गया, उससे आप ध्यान से देखिए, मैं उसमें डिटेल पढ़ाया हूँ। तो 4 3 12, 12 5 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शेष 2 आए, तो हमारी जो संख्या होगी, संख्या का मतलब जो हमारा एन होगा वो क्या होगा, तो हम कहेंगे ना कि 60 का गुणा करेंगे एन टाइम या के टाइम करेंगे और उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी। सबसे जो न्यूनतम संख्या हुई 60, 2 62 हो, क्योंकि 2 शेष आ रहा है यहाँ पे। लेकिन वह कह रहा है कि मान लीजिए कि 6 अंक की न्यूनतम संख्या है, तो भाई हमें 6 अंक की न्यूनतम संख्या पे जाना चाहिए ना। तो अब हम जानेंगे कि जो 6 अंक की न्यूनतम संख्या क्या होती है, तो 1 पे हम लिख लेंगे, 1 पर लिख लेंगे क्या, 5 गो 0, ठीक है, और 5 गो 0 लेकर के, 5 गो 0 हो गया। अब इसमें हम भागा दे देंगे कितना का, 60 का। तो देखिए 60 एक बार में गया, 4 0, फिर 0 उतर गया, ये 360, फिर से 40 और यहां से फिर 0 उतर गया, फिर 360 जाएंगे, फिर ये 400।
अब देखिए जो अंतिम बार होगा, जो अंतिम बार, ऐसे सवाल के आप निगेटिव जाइए, क्योंकि जो ये संख्या है 6 अंक की संख्या 1 लाख, 1 लाख सबसे छोटा है, अगर उसमें कुछ घटाएंगे तो आप 5 अंक में आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको जाना क्या है कि 1 लाख से वो बड़ा होना चाहिए। तो आपका जो कंसेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, आप निगेटिव शेष निकालेगा, निगेटिव शेष निकालने के लिए जिसका जो 60 का भागा जा रहे हैं वो एक बार ज्यादा चले जाइएगा। तो 6 × 7 = 42, यानी कि क्या हुआ 20, क्या हुआ 20। आप अगर यहाँ पे करें भागफल पूरा देख लें तो आपको भागफल में बता देता हूँ, 1 6, इसके बाद 6 फिर 7, ऐसा आया भागफल। बात समझ पा रहे हैं? तो आप इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा आपको महंगा हो जाएगा कि 60 में फिर इसका गुणा करिए फिर 2 जोड़िए। तो सबसे सस्ता तरीका क्या है कि आप ऐसा करें कि आपका जो संख्या होगा वो क्या होगा, तो हम सीधा सीधा 1 लाख में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना 20 जोड़ देंगे, तो वह संख्या जो होगा 60 का मल्टीपल हो जाएगा, और 2 शेष आया तो हम 2 भी जोड़ देंगे। तो आपका यहाँ पे आ गया ये 22, ये 0 0 0 और 1 आ गया। बात समझ रहे? अब सवाल में दिया है कि यन में अंकों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे अंकों का योग करना है आपको, क्या करना है अंकों का योग। तो देखिए नंबर खाली जोड़ लीजिए, जो अंक है वही जोड़ेंगे ना, तो अंक क्या गया 2 2 4 1 5। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका आंसर बी में है। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसे थोड़ा सा फिर से स्टार्टिंग से इसे देखिए और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। रुक रुक करके देखिए कहाँ पे कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं मानता हूँ आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आए। तो यह भी क्वेश्चन एलसीएम के मल्टीपल का है। तो हमारा पहला जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा कि पहले हम क्या करते हैं कि 3 5 8 12 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो 8 × 3 × 5 ऐसा समझ पाए, तो 8 × 3 = 24 5 = 120, इस सवाल का एलसीएम हो जाएगा, है ना। और जब इसका एलसीएम 120 हो जाएगा तो आप देखिए, अब डायरेक्ट में चल रहा हूं क्योंकि इसका कंसेप्ट मैंने पीछे बता दिया था। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये 5 × 9 लिख लीजिएगा, लिख लिए, और इसमें आप 120 का भागा दे दीजिए, इसमें 120 का आप भागा दीजिए, तो आएगा 12 × 96 960, 12 × 96 960 आएगा। ये आ गया 9 और यहाँ पे 3 और ये उतर गया फिर से 9, 12 × 3 = 36, ये फिर 3 9 फिर से 9 उतारेंगे, 12 × 3 = 36, यानी लास्ट का शेष कितना आ गया 39 आ गया। तो आपकी जो संख्या होगी वह क्या होगी, संख्या क्या होगी, तो ये 5 × 9 से आपको क्या करना पड़ेगा कि 39 घटा लेना होगा, पहले 39 घटा लीजिएगा तो 9 9, ये 9 यहाँ पे 6 और 0 ये आ गया, और इसका शेष कितना दे रहा है कि शेष 2 बचे, तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, इसलिए आपकी यहाँ पे घटाना है फिर शेष को ऐड कर देना है। तो आपका जो अभिष्ट संख्या, जो फाइनली संख्या होगी 9 9 9 6 2, यही है आपके 5 अंकों की संख्या और ऑप्शन डी में है। अब बताइए आपको कोई समस्या है? सेम देखिए इससे जो पहले वाला क्वेश्चन वो एक किए थे ना उसी तरह का है, लेकिन एक बात इसमें नई बात आप ध्यान दीजिएगा कि वो नई बात है क्या। तो नई बात ये है कि उसमें जो था वो छोटी संख्या थी 6 अंक की, और यहाँ पर क्या है 5 अंक की बड़ी संख्या है। तो अब इसमें जोड़ नहीं सकते, जैसे ही 5 अंक में जोड़ेंगे तो वो 6 अंक में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि अब जो शेष आएगा उसको घटा लेंगे। तो देखिए ये जो संख्या आया है यहाँ तक, ये जो संख्या है वो कह सकते हैं कि 120 का एक मल्टीपल है, इसके पहाड़ा में आएगा, और उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो यही हमारी अंतिम संख्या होगी, समझ गए, 99,962। मैं मानता हूं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थ्री। देखिए कह रहा है कि 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य चार अंकों वाली महत्तम संख्या क्या है, यानी यह भी कह रहा है कि चार अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए इसमें शेष वाली तो बात ही नहीं, केवल डिवीजन वाली बात है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे कि 10, 15, 20 का निकाल लीजिएगा एलसीएम, तो वह एलसीएम अपने को आएगा कितना, एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 4 × 3 × 5 आएगा। समझ पा रहे हैं सब? अब जब हम इसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 × 5 = 20 = 60 आ जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले आप एलसीएम क्लियर कर लीजिए। अब आप देखें कि चार अंकों वाली सबसे महत्तम संख्या मतलब बड़ी संख्या है, तो अब क्या लेंगे कि चार अंक की सबसे बड़ी संख्या लीजिए और इसमें दे देंगे 60 का भागा। तो 60 का जब भागा देंगे तो वह कब बार में जाएगा भाई, तो एक बार में जाएगा, 3 9 आ गया। इसके बाद आप 9 ऊपर से नीचे उतार लीजिएगा, 6 × 36, फिर 3 9, फिर 9 उतर गया, फिर ये 6 × 36, यानी आपका जो शेष आ गया वो 39 आ गया। तो आपकी जो अभीष्ट संख्या होगी, जो अंतिम संख्या होगी, वह क्या होगी, तो ये चार अंकों की संख्या में से 39 घटा दीजिएगा, तो 0, 6, 9 और 9, 99, 60 ऑप्शन इसका बी होगा। अब आप इस बात को भी समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो रिमाइंडर तो दे नहीं रहा है कि हम जोड़ दें, रिमाइंडर वाला सवाल नहीं है, केवल ये मल्टीपल का क्वेश्चन है, एलसीएम विथ मल्टीपल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 4 है, और 4 में ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ भी एक मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम करेंगे क्या कि 8, 12, 15, 20 का क्या निकाल लेंगे, पहला काम है वो एलसीएम का है, तो एलसीएम अपने को 8 × 3 × 5 होगा, और वही बात आ गई 120। यहाँ तक कोई आपको आपत्ति तो नहीं होगी। चलिए अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या फिर से वही रख लीजिए कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 99,999 होगी। अब देखिए कि अब हम जब 120 से भागा देंगे तो 12 × 8 = 96, यानी 39। अब मैं आपको बता दूं कि लास्ट में भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 39 ही आएगा। आप ऐसा पूरा हल करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपकी जो अभीष्ट संख्या होगी वो अभीष्ट संख्या क्या होगी, तो आप ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से आपको 39 को घटा देना होगा, तो ये आ जाएगा 0, 6, 9, 9, 9, या 99,960 इस सवाल का आंसर आएगा। आप देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शेष की बात नहीं कह रहा है, अगर शेष की बात कहता तो हम सीधा सीधा शेष को ऐड कर देते। चलिए अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और इनसे यानी 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य हो, यह बात ध्यान देने वाली है। देखिए संख्या यहाँ पर दिया है भाई कि 52, 56, 78 और 91, और जब इसका हम पहले तो एलसीएम निकालेंगे, तो आप जब एलसीएम निकालेंगे तो 8 आएगा, इसके बाद में आपका 9 होता है, तो 9 से तो कट नहीं रहा है, तो आप 3 लिखिएगा, इसके बाद कोई 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो फिर 7 से कट रहा है, जी 7 से कट रहा है, फिर 11 से कोई नहीं कट रहा है, तो 13 से कट रहा है, तो ये आपकी संख्या के नंबर आ गए, मतलब इनमें से कोई ना कोई संख्या 8 से कट रहा है, 2 का ये सबसे बड़ा डिवीजन होता है, 3 के बाद 9 आता है, 9 से कोई संख्या नहीं कट रही है, इसके बाद 7 से तो कट रहा है, 13, 7, 91 चाहे ये भी कट रहा है, ये 13 से भी कट रहा है, तो इतना संख्या हम लोग लिख लिए। अब जब हम इसे गुणा कर देंगे तो गुणा कर देते हैं, यानी 8 × 3 = 24 और 13 × 7 = 91, और इसे हम गुणा कर लें तो 4 × 1 = 4 और 9 × 4 = 36 और 2
9 चौके 36 और 2 हो जाएगा 38 के 8 हासिल 3 हो गया और 9 दूनी 18 और 3 21 होगा। तो कहने का मतलब एलसीएम आ गया 2184 आ गया, बात समझ पा रहे, एलसीएम 2184 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का है, तो ले लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है और 10,000 में भागा कितना से करेंगे, 2184 से करेंगे, करेंगे ऐसा। तो जब 2184 से करेंगे तो आप अगर 4 बार में जाएंगे तो 10,000 से छोटी हो जाएगी। तो हमने कहा था कि 10,000 खुद ही छोटा है और छोटे को छोट करिएगा तो अब नीचे ना जाइएगा, यानी कहने का मतलब है कि 5 अंक की जो संख्या है वो बिल्कुल छोटा है। अब उसमें आपको घटाना कुछ नहीं है, उसमें क्या करना है, अब जोड़ना है। तो जोड़ना है तो मतलब आगे वाली संख्या, इस तरह के सवाल हमने पहले भी आपको बताया। तो चलिए अगर हम 5 बार में जाएंगे, कितना बार में जाएंगे, 5 बार में, तो 5 से गुणा करिए, तो 5 चौका 20, 2 हासिल हुआ, 5 आठे 40, 40 दो 42 हासिल इसका 4 हो गया और 21 5 105 और हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये निगेटिव शेष आ गया कितना आपका 920 आ गया, बात आप समझ पा रहे हैं। तो आपकी जो संख्या होगी वह क्या होगी, तो आपको करना क्या होगा कि जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें 920 आप जोड़ दीजिएगा, तो संख्या हो जाएगा 10,920, ऑप्शन आपका सी होगा। अब आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने ऐसे ही क्वेश्चन एक साथ लेकर के आया है कि आपके प्रैक्टिस भी हो पाए और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इन चीजों को अच्छे से क्लियर कर पाए। यह बहुत ही उपयोगी है, ज्यादातर परीक्षाओं में ऐसे सवाल आ भी रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए और 6 कह रहा है कि ऐसी संख्या आपको बतानी है कि जो 22,000 और 23,000 के बीच में हो और वह संख्या किनसे विभाजित होना चाहिए, तो 12, 18, 21 और यहाँ पे क्या है 32 से विभाजित हो। तो आप पहले तो जरूरी है 12, 18, 21 और 32 का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। पहला जो जरूरी बात है क्या कि 12, 18, 21, 32 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आ गया ये 32, इसके बाद 9 और यहाँ पे आ गया 7। देखिए यहाँ जो मैं कर रहा हूँ वह एलसीएम का जो तरीका है थोड़ा सा फास्ट है, आप इसे ध्यान देंगे तो आप भी आसानी से बना सकते हैं। 3 दुना के 6, 6 दुनी 12, 12 9 21 के 1 हासिल 2 और 36 18 और 2 20 होगा। तो ये एलसीएम आ गया। देखिए मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि देखिए ये जो चैप्टर है ना वो लसौ और मौसौ पे पूरा डिपेंड करता है कि आपको एलसीएम कितना फास्ट आता है, आप एलसीएम कैसे निकाल पाते हैं, क्या आप स्कूली मेथड से निकालेंगे या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको चाहते हैं कि ऐसी बात हमें भी आ जाए तो आप एलसीएम का बेसिक वाला हमने पढ़ाया टाइप उसको जाइए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारा चीज़ नंबर सिस्टम का पूरा कंसेप्ट बता रखा है और मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया हूँ, तो आप वहाँ से जा कर के पूरे वीडियो को हमारा देख सकते हैं और यहाँ से एलसीएम को भी उसी तरीका से आप कर पाएंगे। अब बात देखिए एक और समझने वाली है कि पूछा जो था वो 22,000 और 23,000 के बीच का संख्या पूछा है, 22,000 और 23,000 के बीच का संख्या पूछा है। तो देखिए 2,000 है ही, अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 2016 है, मतलब 2,000 ना है, ये मेरे कहने का मतलब है कि 2016 में तो 2,000 से आगे, तो 2,000 में जैसे ही हम
करेंगे गुणा 10 का तो 20,000 आएगा, अगर 11 का गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम इसमें अगर 11 का केवल मल्टीपल कर दें तो जो आपका ओरिजिनल संख्या चाहिए वो निकल जाएगा, यानी 2016 में आपको गुणा करना पड़ेगा 11 का। समझ रहे हैं भाई? तो अब देखिए यहाँ पे जब से गुणा करेंगे तो 6, 6, 1, 7 और ये 1 और 11 दूना 22। 22,167 बहुत ही खूबसूरत सवाल था और ऐसे सवाल आपको एकदम करना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। आप देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन की मैं तरीका बताऊं तो इस ऑप्शन में देखिए जैसे ही आप 9, 9, 7, 9, 30 में 10 घटा लेंगे तो एक यहाँ पे देख रहे होंगे कि 9, 9, 7, 9, 20 आएगा और ये संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए इसमें जितने भी संख्या लगभग है वो 9 से कट रही है तो ऑप्शन भी 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही वो ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, तो आप चाहें तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं ऐसे सवाल को। क्यों हमने 10 घटा दिया? क्योंकि 10 शेष बचे, अगर 10 घटा देंगे तो वह संख्या 9 से कट रही होगी। तो देखिए 9 का विभाजिता का नियम मैंने बताया था कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो 9, 9, 9 और 7, 2 मिला के 9 से कट रहा है। बाकी मैंने देखा कि ऐसा कोई संख्या नहीं बैठ रहा है। तो देखिए ऑप्शन से भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैं पूरा ट्रेडिशनल आपको समझाता हूँ, पूरे कंसेप्ट के साथ समझाता हूँ। तो पहला आपका जो कंसेप्ट होगा वो कि 36, 48, 54, 60 के बाद क्या है भाई 90, इनका आपको एलसीएम करना पड़ेगा पहला लाइन में। तो आपको लिखना पड़ेगा 16 और दूसरा में लिखना पड़ेगा 27 और तीसरा में क्या लिखना पड़ेगा तो 5। वो कैसे? कहने का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसी संख्या है जो 2 के मल्टीपल, देखिए 2 का मल्टीपल हम कह रहे हैं तो आप 2, 2, 4 और फिर 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 से करेंगे तो 16, 16 से करेंगे तो 32, ऐसे कोई संख्या कट रही है? तो हाँ जी 16 से कट रही है। बात समझ रहे हैं आप? चलिए अगर बात समझ रहे हो तो इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। देखिए अब गुणा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 16, 5, 80 गुणा 27, ये 0 का 0, 8, 7, 56 के 6 हासिल 5 और 8, 2, 16 और 5, 21, 2160 इस सवाल का एलसीएम आ गया भाई। अभी एलसीएम आ गया तो हमें क्या करनी होगी? तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास जानी होगी। तो देखिए भाई 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो लिख लीजिएगा क्या, 6 को 9 लिखिएगा, 6, 9 लिखिएगा और भागा देना पड़ेगा 2160 का। भागा कितना से देना पड़ेगा? तो 2160 से भागा देना पड़ेगा। तो आप कितना बार में जाएंगे? देखिए 4 बार में आप जाइए, पहला तो 4 बार में, तो ये हो जाएगा देखिए 0, 6, 4 के 24 और 21, 4 के 84 और 2 हो जाएगा 86। बात यहां तक समझ गए? घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 9, ये आएगा 5 और यहां पर आ जाएगा कितना 3 और यहां पे आ जाएगा 1। अब हम क्या उतारेंगे? तो 9 उतार ले। अब हमें कितना बार में जाना चाहिए? तो यहां पे देख रहे हैं 6 बार में जाएंगे तो 2, 21, 6 के तो 6 बार में आप जा सकते हैं। तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 0, 6, 6 के चाहे 16, 6 के 96 में डायरेक्ट कर देता हूँ, 16, 6 के 96 और 6 दूना के 12। चलिए अभी देखिए 9, फिर आ गया 3 और यहाँ पे कितना आ गया 15 में से 9 गया तो 6, अब ये कैंसल हो गए। अब आपको ये 6, 3, 9 आया और उतारा है ऊपर से 9, अब हम कितना बार में जाएंगे? तो यहाँ पर आप 3 बार में नहीं जा सकते, 21, 63 और 60, 120, मतलब आप केवल 2 बार में जा सकते हैं। तो आइए 0, 16 दुना के 32
और ये कितना आ गया 4। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 9, 7 और यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पर आ गया 2, यानी 2079। अब इतना शेष बचा तो आपकी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी तो आप ये लिखिएगा 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में आपको घटाना होगा कितना 2079। घटाएंगे पहले तो ये 0, ये आ गया 2, 9, 7, 99 और फिर 2 ऐड करना पड़ेगा 9, 9, 7, 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, शेष 10 है तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि आपका जो रिमाइंडर है वो 10 है तो आपको करना क्या पड़ेगा 10 ऐड करना पड़ेगा। बात समझ गए? चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।